नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए नवेले YouTube चैनल द इंडियन मूवीज फैन पर। आजकल 100 करोड़ रुपए का बिजनेस फिल्मों के लिए सफलता का बेंचमार्क मान लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो 100 करोड़ का बेंचमार्क टच करने वाली पहली फिल्म बनी। साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। यश और श्रीनिधि शेट्टी स्टारर इस फिल्म को प्रशांत नील ने डायरेक्ट भी किया था और लिखा भी था। एक लड़के की सड़क से उठकर सम्राट बनने की इस कहानी को पूरे देश में पसंद किया गया। यश इस एक फिल्म से कन्नड़ सुपरस्टार से पूरे भारत के स्टार बन गए। साल 2016 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को अपनी पहली 100 करोड़ वाली फिल्म मिली। मलयालम सुपरस्टार और जबरदस्त एक्टर मोहनलाल पुलिमुरुगन नाम के इस फिल्म के लीड एक्टर थे। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के डायरेक्टर थे व्यासाक और कहानी लिखी थी उदय कृष्ण नाम के राइटर ने। साल 2016 में मोहनलाल की पुलिमुरुगन जहां केरल में धूम मचा रही थी, वहीं एक और फिल्म थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। फिल्म का नाम था सैराट। यह पहली मराठी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। इस टीनेज लव स्टोरी के डायरेक्टर थे नागराज मंजुले और इसकी कहानी नागराज ने ही भारत मंजुले के साथ मिलकर लिखी थी। इस मूवी का म्यूजिक दिया था अजय अतुल की जोड़ी ने, जिनके म्यूजिक की ताल पर पूरा देश जमकर थिरका था। ट्रिपल आर और बाहुबली जैसी फिल्में देने वाले बाप बेटे राइटर डायरेक्टर की जोड़ी ने साल 2009 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को उसकी पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म दी। फिल्म का नाम था मगधीरा। डायरेक्टर SS राजामौली, उनके पिता राइटर V विजेंद्र प्रसाद की इस फिल्म में रामचरण और काजल अग्रवाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पुनर्जन्म वाली इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस के बाद TV पर भी जमकर कहर मचाया था। मगधीरा से 2 साल पहले साल 2007 में असली सुपरस्टार रजनीकांत की शिवाजी द बॉस नाम की एक फिल्म आती है। रिलीज से पहले ही फैंस के बीच फिल्म का जबरदस्त क्रेज था। करप्शन सोशल कॉज के सेंट्रल आइडिया के साथ बनी इस फिल्म ने ना सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म दी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रोबोट और 2.0 वाले शंकर। कहानी लिखी थी राइटर सुजाता ने। अब बात करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। शिवाजी द बॉस से लगभग 13 साल पहले यानी साल 1994 में राजश्री के बैनर तले सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में हम आपके हैं कौन नाम की फिल्म बड़े पर्दे पर आती है। सलमान खान और माधुरी दीक्षित के लीड रोल वाले इस फैमिली ड्रामे का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। हम आपके हैं कौन पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने देश के भीतर ही 100 करोड़ का बिजनेस कर डाला था। लेकिन भारतीय सिनेमा की ये पहली फिल्म नहीं थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे। इस फिल्म से 12 साल पहले यानी 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर वो पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के कलेक्शन के आंकड़े को छुआ था। मिथुन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने पूरी दुनिया में 100 करोड़ का बिजनेस किया था। चौंक गए ना पहली 100 करोड़ी फिल्म के बारे में जानकर। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।